नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं मार्केट का आज का पूरा एक्शन और साथ ही आपके लिए कल की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम करते हैं बात। और कल की तैयारी कराने के लिए, साथ ही आज का बाजार का एक्शन समझाने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है जिसमें देवांशी हमें बताएंगी कि आज खबरों के दम पर मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एक्शन दिखा है। मानसी से हम जानेंगे कि ACC के नतीजे कैसे रहे। पूजा बताएंगी कि कोरोना से NBFC पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है और कच्चे तेल में गिरावट से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये हम जानेंगे संदीप से। और साथ ही फार्मा शेयरों में तेजी की वजह बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। तो ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है। तो मार्केट की बात करें तो आज भी बाजार में बिकवाली हावी रही। निफ्टी 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 9000 के नीचे बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज के कारोबार में दिखी है। निफ्टी बैंक में भी 1113 अंकों की कमजोरी आज हमने देखी है और 19400 के करीब जाकर बंद हुआ है। मिडकैप शेयरों की बात करें तो मिडकैप शेयरों में भी तेज बिकवाली का माहौल आज के कारोबार में रहा है। तो ये मार्केट का हाल, शेयर मार्केट का हाल। लेकिन आज कमोडिटी मार्केट में क्रूड में जबरदस्त कोहराम मचा है और इस कोहराम के बाद एक ऐसी ऐतिहासिक खबर आई है कच्चे तेल को लेकर के कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रूड का सेटलमेंट माइनस में हो रहा है। अप्रैल का वायदा MCX पर, अप्रैल वायदा का सेटलमेंट -2884 रुपए के स्तर पर किया गया है। MCX ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कल, चूंकि MCX क्रूड WTI क्रूड को फॉलो करता है, तो कल WTI क्रूड का भाव -$40 तक लुढ़क गया था, लिहाजा उसी आधार पर यह माइनस सेटलमेंट यहां पर तय किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इससे बायर को करीब करीब 300 से 350 करोड़ का नुकसान होगा। चूंकि क्रूड के दाम लगातार गिर रहे हैं और कीमतों की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। 20 से 25% की गिरावट आज भी हमने देखी है WTI क्रूड में, MCX पर कच्चे तेल में, ब्रेंट क्रूड में जबरदस्त गिरावट है। ग्लोबल मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गई है कोरोना की वजह से, जबकि सप्लाई लगातार बढ़ रही है और उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। हालांकि जो ये माइनस का सेटलमेंट प्राइस तय किया गया है, इस पर MCX के MD और CEO PS रेड्डी सबसे पहले जी बिजनेस के साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, मार्जिन प्रॉपर यहां पर जमा कर लिया गया है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट से एक और खबर है। खबर यह है कि नॉन एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग का समय एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और अब सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी नॉन एग्री कमोडिटी में, यानी गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, मेटल में। और जो एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग है वो शाम के 5 बजे तक ही होगी। कोरोना संकट के बीच ये फैसला लिया गया था कि शाम के 5 बजे तक ही ट्रेडिंग होगी, 11:30 बजे से घटाकर शाम के 5 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन दोबारा इसे 11:30 बजे तक कर दिया है। तो ये कुछ खबरें कमोडिटी मार्केट की थी, महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs की बात करें तो FIIs ने कैश मार्केट में 2095 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs ने 68 करोड़ रुपए की बिकवाली आज यहां पर की है। और चलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक क्या है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार गिर गए और खासकर के फार्मा को छोड़ के हर सेक्टर में यहाँ पर हमने गिरावट देखी है, यही नहीं बैंकों की भी धुनाई ज्यादा हुई है। तो ओवरऑल आज के कारोबार को आप किस तरह से देख रहे हैं?
कई दिनों से बेहतरीन मजबूती दिखाते हुए भारतीय बाजारों में आज रहा करेक्शन का दिन, बिकवाली का दिन। जी हाँ, और ये बिकवाली होना लाजमी भी थी। क्यों? क्योंकि एक तो अमेरिकी बाजारों में रही कमजोरी 600 अंकों की, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स लगातार सुबह से 200 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, और यही रुझान आपको एशिया और पूरे यूरोप का भी था। तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट्स के संकेत आज ढीले थे। पिछले दो दिनों से बाजार इतने कमजोर नहीं, मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद एफआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से आंकड़े बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, हल्की बिकवाली के। तो वो भी थोड़ा सा ना लोगों में डर कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपरी लेवल पर फिर से बिकवाली आ जाएगी, या फिर हायर लेवल पर बड़े फंड खरीद नहीं रहे, ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ये दूसरी बात थी। तीसरा, कोरोना को लेकर कोई राहत वाली खबर तो थी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो बाजारों को दिखी वो थी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो इक्विटी में नहीं, कमोडिटी बाजार से आया। कच्चा तेल कल जिस तरह से कोहराम मचा और कच्चे तेल के दाम $37.5 माइनस में चले गए, उससे ना दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी सी इक्वेशन बदलती हुई बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और लोग परेशान हो रहे हैं हर एक इन्वेस्टमेंट को लेकर, और उससे सेंटिमेंट और माहौल थोड़ा खराब हुआ, और यही वजह थी कि आज कमजोर खुलने के बाद बाजार एक भी बार ढंग की रिकवरी दे नहीं पाए, 9050 को भी पार नहीं कर पाए, और क्लोजिंग जो हुई वो 9000 के थोड़े से नीचे होती हुई दिखी। कोई साइजेबल रिकवरी आई नहीं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी भी नहीं हुई। 9000 का जो एक मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुए। तो कल का सेशन मेक और ब्रेक उस लिहाज से हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि कमजोर क्लोजिंग हुई है, उसमें भी वो तब जबकि आखिरी आधे घंटे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश की, उससे क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी। अदरवाइज बैंक निफ्टी तो 5% कमजोर होकर बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर एक खराब सेशन, पूरे संकेत जो ग्लोबल मार्केट्स के खराब थे, कमजोर थे, और उसके चलते एक खराब सेशन रहा। तो बाजार के लिए खराब दिन रहा, खराब सत्र रहा, लेकिन अब सवाल यह है कि आज की जो गिरावट रही है मार्केट में, उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसकी भूमिका ज्यादा रही है खबरों के दम पर, यानी कौन कौन सी ऐसी निगेटिव खबरें, हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी होंगी, तो इन दोनों खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जो एक्शन में रहे, ये समझाने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर मौजूद हैं। देवांशी बताइए। आज बाजार में फिर एक बार गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था, और लगभग सभी इंडाइसेस लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सबसे ज्यादा जो गिरावट हमें देखने मिली थी वो आज फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, एनबीएफसीज में देखने मिली थी। उसमें भी आप देखिए निजी बैंक्स और साथ ही एनबीएफसीज में सबसे ज्यादा गिरावट का माहौल दिखा। सबसे पहले अगर मैं निजी बैंक्स की बात करूं तो आज सेलेसिक रिपोर्ट भी आई थी, जहां पे उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो लगभग आधे कर दिए हैं, और आप देखिए इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, RBL, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक के सभी के भी स्टॉक्स थे जहां पे गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था। साथ ही NBFCs, आज UBS की रिपोर्ट आई थी जहां पे माना जा रहा था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे धीमी ग्रोथ देखी जाएगी, और इसके चलते भी चिंता थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इक्विटास, उज्जीवन, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी। HDFC लिमिटेड में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था। साथ ही आज मेटल स्टॉक्स में भी आप देखिए ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट देखने मिला था, इसके चलते लाल निशान के साथ पूरा इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, JSW स्टील, ये सभी स्टॉक्स दूसरे दिन लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। आज ऑटो एंसिलरी में भी काफी ज्यादा दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा, उसमें भी आप देखिए अशोक लेलैंड, मारुति, M&M, मदसन, सुमी 10% से ज्यादा की गिरावट हमने इस स्टॉक में भी आते हुए दिखी थी। अब खरीदारी इस बीच कहां आते हुए दिखी, तो फार्मा थे जो आज बाजार में हीरोज थे, उसमें भी आप देखिए अरबिंदो फार्मा, ये था आज का स्टार परफॉर्मर, क्योंकि जिस तरह से यूनिट 4 को USFTA से VAI का स्टेटस मिलता हुआ दिखा, यानी कि अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे, इसके बाद करीब 18% तक के गेंस हमने स्टॉक में देखे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब 52 एक हाई पर ट्रेड करता हुआ, कैडिला हेल्थ केयर में भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी। ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स में गेंस बनते हुए दिख रहे हैं लगातार। और साथ ही FMCG दूसरा डिफेंसिव सेक्टर है जहां पे आज हमने खरीदारी देखी है, उसमें भी कोलगेट, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे स्टॉक्स थे जहां पे करीब 1% से लेकर 1.5% तक के गेंस हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखे हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, स्पेशली फाइनेंशियल्स की, तो यहां पे दबाव सबसे ज्यादा बाजार पर आज बनता हुआ दिखा था। ओके, तो खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखा है ये आपको देवांशी ने समझाया बताया, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, विकास सेठी साहब का, सेठी फिनमार्ट के। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल ये है कि लगातार 1100 अंकों की तेजी के बाद
आज बाजार में एक तेज करेक्शन का माहौल हमने देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज का ये करेक्शन सिर्फ आजाद के लिए था या ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ेगा, आप क्या मानते हैं? नहीं बिल्कुल मृत्युंजय, पहले तो ये जो आज करेक्शन हुआ उसके कारण को देखना पड़ेगा कि कल रात को हमने देखा यूएस में एक भारी गिरावट हुई, 700 अंक यूएस का डाउ जोन्स गिरा, और उसका जो मुख्य कारण था जिसे अनिल जी भी बता रहे थे, क्रूड में जो मार्केट बची है, जो इस मंथ के फ्यूचर्स है वो एक्सपायर हुए हैं, वो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि वो नेगेटिव एक्सपायर हुए हैं, -$36, -$37 पे एक्सपायर हुए, मानी कि जिनको क्रूड खरीदना है और जिन्होंने फिजिकल डिलीवरी के लिए मार्क किया वो उनको भारी नुकसान हुआ, बिकॉज एक तो क्रूड की डिमांड नहीं है और दूसरा स्टोरेज के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, और इस कारण से हमने ये सब देखा। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला, हालांकि जो डिफेंसिव थे आज फार्मा और FMCG उन्होंने अच्छा किया, बट मुझे लगता है जिस तरह से हमारे बाजार के दौरान भी यूएस फ्यूचर्स में ऑलरेडी 200-300 पॉइंट की मंदी तो थी, बट अभी वो 500-550 पॉइंट नीचे बता रहे हैं, तो मुझे लगता है आज रात यूएस कैसे बंद होता है उस पर निर्भर करेगा, और बाजार में हो सकता है कल परसों दो दिन वापिस से थोड़ी और गिरावट देखी जा सकती है, बट आज जितनी जो गिरावट आई है उतनी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है डेफिनेटली बाजार में थोड़ी वीकनेस और बढ़ सकती है, तो कॉशियस रहने का एक तो व्यू रहेगा, और दूसरा जो चुनिंदा सेक्टर्स, जो चुनिंदा कंपनीज अच्छा कर रही है वहां पे गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट तो रहेगी लेकिन आज जितनी गिरावट थी उतनी गिरावट शायद आगे ना दिखे, उससे थोड़ी कम गिरावट रहे। तो अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल के लिए ऐसे माहौल में, ऐसे बाजार में कल के लिए आपकी इंट्राडे पिक क्या होगी, और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाहे तो उनके लिए आपकी पिक क्या होगी? नहीं बिल्कुल मृत्युंजय, कल के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो बाजार का दिग्गज है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमने देखा ये स्टॉक भी आज दिन भर, एक्चुअली जब सुबह बाजार खुले थे तो एक अच्छी खबर आई थी कि जो रिलायंस की ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ जो डील हुई थी उसको यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है, वो एक पॉजिटिव न्यूज थी और उस पर बाजार को रिएक्ट करना था पॉजिटिवली, बट चूंकि बाजार के सेंटिमेंट्स काफी खराब थे तो ये स्टॉक भी काफी नीचे था, बट फैगन टुवर्ड्स क्लोज मुझे लगता है लास्ट के आधे घंटे में एक शानदार उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला, मुझे लगता है कल के लिए एक अच्छा स्टॉक रहेगा, अगर बाजार में सेंटिमेंट सुधरते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तेजी होगी, और बाकी बाजार को सपोर्ट रिलायंस करना चाहिए, कल का मेरा स्टॉक में लक्ष्य रहेगा 1270 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, मुझे करंट लेवल्स पे बर्जर पेंट्स अच्छा लगता है, ये कंपनी पेंट बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है, और चूंकि इनका जो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट है वो क्रूड पे डिपेंडेंट है, और क्रूड में जो मार्केट हुई है उसका एक फायदा जो पेंट कंपनीज है पूरे पेंट सेक्टर को देखने को मिलेगा, और जब कभी बाजार में सेंटिमेंट्स ठीक होंगे, लॉकडाउन खुलेगा, तो वापिस से इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, बट जिस तरीके से क्रूड के दाम गिरे हैं इनके मार्जिन पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है, मेरा 7-10 दिन में इस स्टॉक पे 575 रुपए का लक्ष्य रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए इंट्राडे पिक, और पोजिशनली अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको किस शेयर में करना चाहिए ये आपको विकास जी ने बताया है। लेकिन अब अगर यहाँ पर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो कोरोना की वजह से जो वित्तीय मुश्किलें खड़ी हुई हैं उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमने NBFCs के ऊपर देखा है, और आगे भी दिखने की आशंका जाहिर की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, क्या बड़ी परेशानियाँ हैं NBFCs के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ी हैं। पूजा बताइए क्या दिक्कतें हैं और NBFCs की दिक्कतें और क्यों बढ़ सकती हैं? जी, व्यू काफी नेगेटिव बन रहा है और NBFC में उनका मानना है कि नोटबंदी के समय जो दिक्कत NBFCs को झेलनी पड़ी थी उससे भी ज्यादा दिक्कत इस बार झेलनी पड़ सकती है। इनकी लिक्विडिटी में भी समस्या आएगी, एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी करना इनको झेलना पड़ेगा, और इसके अलावा अनसिक्योर रिटेल लोन पोर्टफोलियो है इनका, और इसके अलावा SME पोर्टफोलियो जो है वहां से काफी ज्यादा दिक्कत इनको देखने को मिल सकती है तमाम NBFCs, और इसमें जो छोटे मझौली NBFCs हैं वहां पर तो असर पड़ेगा ही, बड़े दिग्गज NBFCs भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो जो टारगेट कट हुए हैं, करीब 9 NBFCs में UBS ने टारगेट घटाया है, जिसमें कि दिग्गज NBFC कंपनी HDFC के जो टारगेट है 2850 से घटाकर 2100 का किया है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1650 से घटाकर 1000 का किया है, इसी तरह M&M फाइनेंस, PFC, L&T फाइनेंस,
LIC हाउसिंग फाइनेंस सभी के टारगेट यहां पर घटाए गए हैं और सबसे बड़ा जो कट देखा है वो बजाज फाइनेंस ही केस में देखा है। 4600 का लक्ष्य दिया था अब वो घटाकर 1600 का कर दिया है और इसके अलावा इक्विटास का भी जो टारगेट है वो 100 रुपए से घटा दिया। तो ये कुछ 9 कंपनियां हैं जिसके की टारगेट में कटौती हुई है और उनका मानना है कि नोटबंदी के समय जो लोन ग्रोथ में दबाव देखा गया था FY21 में और भी ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है इन कंपनियों के लोन ग्रोथ में। मिसाल के तौर पर HDFC 14% की लोन ग्रोथ थी जो कि धीमी ग्रोथ मानी गई थी, FY21 में केवल 10% रहेगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के केस में नेगेटिव लोन ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसी की तरह सभी में दबाव रहेगा। AU स्मॉल फाइनेंस देखिए 30% की ग्रोथ थी FY17 में, FY20 में वो घटकर 20% ही रह जाएगी। ओके, तो ये पूजा ने डिटेल में आपको बताया कि NBFCs के लिए हालात आगे कैसे होने वाले हैं। तो ऐसे में विकास जी, अब सवाल ये उठता है कि तो अगर NBFCs को लेकर इतनी मुश्किलें हैं, इतनी दिक्कतें हैं, तो फिर करना क्या चाहिए NBFCs में? नहीं बिल्कुल मृत्युंजय, ये जो सेक्टर है ये डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज सेक्टर की काफी दिक्कतें हैं और जिस तरह से ये लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है, मुझे लगता है जो मीडियम और स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस है उन पे जो लोन्स वगैरह दिए हुए हैं NBFCs ने, वो काफी NPS बढ़ेंगे इनके और जो रिटेल लोन्स है वहां पे भी काफी दिक्कतें आएंगी, जो हमने बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में भी देखा है 5000 से आज 2000 के लेवल पे आ गया और यहाँ पे भी रोज वीकनेस ही रहती है स्टॉक में और कई डाउनग्रेड भी आए हैं। मुझे लगता है ये सेक्टर को हाल फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी तेजी भी बनी है, लोगों को एग्जिट करने का मौका भी था और आज पहले दिन जब बाजार में गिरावट आई है तो बहुत बुरी तरह से पीटे ये स्टॉक, बट मुझे लगता है इन स्टॉक्स को अभी भी नहीं छूना चाहिए। ये और बैंकिंग दोनों ही सेक्टर मुझे पसंद नहीं आते और मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए इन दोनों सेक्टर में निवेश करने से पहले। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कल की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ग्लोबली माहौल को देखते हुए, भारत के ताजा हालात को देखते हुए, कोरोना के हालात को देखते हुए कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? कल के सेशन में इस बात पर बहुत अहमियत रहेगी कि क्या अमेरिकी बाजार आज फिर से एक अच्छी खासी कमजोरी दिखाते हैं। अगर अमेरिकी बाजार सुधर गए तो आप ये मान सकते हैं कि 1300-1400 पॉइंट की एक तरफा तेजी होने के बाद निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट करेक्ट हो जाता कोई बड़ी बात नहीं, ये तो नेचुरल है और फिर से निफ्टी अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अमेरिकी बाजार कमजोर होने का संकेत देते हैं क्योंकि जिस तरह से माहौल कच्चे तेल को लेकर बड़ा उठापटक वाला हो रहा है और उसका असर अगर इक्विटी मार्केट पर आता पड़े तो फिर ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए संभलना मुश्किल होगा। देखिए, अब हम अहम सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 8900 के लेवल को निफ्टी कल तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आएगा वो 8500 से लेकर 8650 की रेंज में आता हुआ दिखेगा और वहां पर बाजार जरूर कल और परसों में सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे वीकली एक्सपायरी के पहले। ऊपरी स्तरों पर आप ये मान सकते हैं 9150 से 9300 ये रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। तो कमोबेश थोड़ा सा बाजार का टोन हल्का हुआ है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वाला हुआ है, थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा का पूरा मामला जो है वो ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट है। अगर दुनिया भर के बाजार नहीं चलते तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ एक चीज साफ दिख रही है वो ये डेटा को देखकर कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी साफ नजर आ रही है। तो थोड़ा सा कश्मकश वाला माहौल है, नीचे की तरफ 8500-8650 मजबूत सपोर्ट रहेगा और बैंक निफ्टी के लिए भी इसी तरह का मामला है कि देखते हैं अगर 19000 के आसपास सपोर्ट ले पाए तो ठीक, उसके नीचे गए तो हमारी कमजोरी थोड़ी सी और कल के सेशन में बढ़ती हुई दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए रणनीति बताने के लिए। और अब वक्त है ये जानने का कि ऑप्शन के जरिए कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए आप कहां पर कमाई के मौके देख रहे हैं? हाय मृत्युंजय, कल के बाजार में ऑप्शंस में मेरे पास दो रणनीति है जिसमें एक इंडेक्स की है और एक स्टॉक की है। इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी में पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, नीचे में 8800-8850 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 9000 के ऊपर अगर एक बार निफ्टी सस्टेन किया तो परसों तक 9200-9300 तक का मूव देखने को मिल सकता है।
23 अप्रैल का 9000 का कॉल 90 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 150 से 180 तक का अपसाइड वो निफ्टी की 23 अप्रैल की 9000 कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो स्टॉक स्पेसिफिक हमने सिलेक्ट किया है वो है एफएमसीजी का डाबर। डाबर में आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था, ऐसा लगता है कि डाबर ये मूव कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट गिरने पे डाबर गिरा नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है स्टॉक के लिए। डाबर का 500 का कॉल 16 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 22 रुपया पहला टारगेट होगा और 25 रुपया दूसरा टारगेट होगा। 3 से 4 दिन के लिए ये व्यू होगा। ओके, तो ये राय है आपकी कि ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो हमने आपको पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ऑप्शन का ट्रेड, ये तीन चीजें आपको बता दी हैं। लेकिन अब आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कहां पर निवेश करना चाहिए। विकास जी बताइए, अगर किन्हीं का 6 महीने या साल भर का नजरिया है तब किस शेयर पर नजर रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में HDFC AMC को खरीदते जाना चाहिए। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, भारत की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक अच्छी पेडिग्री है, HDFC ग्रुप का मैनेजमेंट है। और ये स्टॉक भी अपने जो आज से 1 महीने पहले 3800-3900 के हाई जिसने लगाए थे और वहां से करेक्ट होके आज 2600 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता है। और ये गिरावट कल अगर बाजार वीक रहते हैं तो और थोड़ी गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा लेवल है इस स्टॉक को खरीदने का और एक स्टैगर्ड रूप में इसमें बाइंग करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में लक्ष्य रहेगा 3500 रुपए। ओके, तो 9 से 12 महीने का टारगेट है 3500 रुपए का, इसे आप नोट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, सुमित जी आपका और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज के मार्केट में कहां कहां पर एक्शन दिखा है और आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं।